नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडा वलाईसी में और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करते चले चैनल को और दोस्तों सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, जिसमें कि जो पद वृद्धि से संबंधित आंदोलन है उसको जागृति प्रदान की जा सके और अधिक से अधिक सर्कुलेट किया जा सके। पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी करें। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पद वृद्धि आंदोलन 2021 आगे अपनी चरम स्थिति पर लगातार बना हुआ है। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा मुद्दा यदि है तो वह है पद वृद्धि को लेकर के, क्योंकि दोस्तों लाखों की संख्या में इसमें अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। जो चयनित हो चुके हैं उनकी संख्या तो हजारों में है, लेकिन पद वृद्धि के बाद में जो अंदर आ सकते हैं, जिनको वापस नौकरी में लिया जा सकता है, उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस में उनको शामिल किया जा सकता है, तो वो पद वृद्धि होने के बाद ही संभव है और जिनकी संख्या लाखों में है। तो दोस्तों सभी को सतत प्रयास लगातार करना है, इसी के एक कदम और आगे बढ़ते हुए दोस्तों व्यावरा विधायक श्री रामचंद्र दागी एवं तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम पर पद की वृद्धि और समान वितरण के लिए, साथ ही साथ ज्ञापन में जो भी वर्णित उनके उद्देश्य हैं उनकी परिपूर्ति के लिए उनको स्पष्ट दिशा निर्देशों के साथ में ज्ञापन दिया गया वहां की जिला टीम के द्वारा। और दोस्तों जिले का हम देख रहे हैं कि हर जगह जो भी टीम बनी है बहुत ही अच्छी टीम बनी है और एक सफल और सराहनीय और उत्कृष्ट अनुपम कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। हमने कई जिले देखे, हमने इंदौर जिला देखा, हमने खरगोन जिला देखा और इस प्रकार से अब दोस्तों ये ब्यावरा में भी ज्ञापन दिया गया है वहां के तहसीलदार को और वहां के विधायक को, और अपनी बात का उनसे कहा गया है कि आप इस प्रकार से जो है इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री जी से न केवल पहुंचाएं बल्कि अपनी तरफ से पत्र भी लिखें और उनसे यदि डायरेक्ट बात कर सकते हैं तो आप वो भी करें। तो दोस्तों आप ये पिक्स के माध्यम से, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये रामचंद्र जी है और इनको ज्ञापन देते हुए अभ्यर्थी दिख रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पदों की वृद्धि की जाए, रोस्टर में जारी कर दिया जाए, विज्ञप्ति में सुधार किया जाए और इस प्रकार से दोस्तों जो अच्छे मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार मिल सके। अब दोस्तों यहाँ भी मैं आप लोगों को प्रारूप मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ कि क्या दिया गया है श्री रामचंद्र दागी जी को। तो दोस्तों ये वही है कि मुख्यमंत्री के नाम पर ये ज्ञापन का रूप है जिसमें जो रिक्त पदों की संख्या की बात की गई है और रिक्त पदों के में जो किस प्रकार से असमान वितरण है चार विषयों के साथ में मुख्य रूप से, है ना, बायोलॉजी है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है और उर्दू में, जो कि टोटल रिक्तियां 228 हैं, केवल 4% ही आ रही हैं जबकि काफ़ी संख्या में रिक्त पद हैं। शिक्षा मंत्री जी ने भी घोषणा की और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं हमारे निशंक जी, उन्होंने भी एक आकलन के आधार पर बताया था कि जो भी शिक्षकों के पद खाली हैं मध्य प्रदेश में लगभग 91,000, उन पर भर्ती की जानी चाहिए और स्थायी रूप से वो भर्ती होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये ज्ञापन का दौर जारी है और निश्चित रूप से सफलता सभी को मिलेगी। तो शुभकामनाओं सहित मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।